कितना प्यारा प्यारा गैया देख सकते हैं आप लोग, और इधर भी ये छोटा सा प्यारा सा बछड़ा, और इधर भी देख सकते हैं आप लोग गैया, जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाय आ चुकी हैं भाई, करीबन होगी 100-150 गाय। और गाँव के भाषा में बोलते हैं अरे राम राम भगत। राम राम भाई, राम राम। और बताइए गाय आपका कैसा है, क्या है? हाँ तो भाई मेरे पास लगभग 50 से 60 गाय है। हाँ। और हम पथरा ताल में अपना गाय को रोज चराते हैं। हाँ। और यहाँ पर इतना मजा आ रहा है दोस्तों। तो भाई आपका गाय एक दिन में कितना लीटर दूध दे देती है? हमारी गाय एक दिन में लगभग 30 से 35 लीटर दूध दे देती है। स्वागत है भाई हमारे यूट्यूब चैनल में, हम प्रदीप चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आए हैं पथरा के ताल में, और पथरा के ताल में नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं कैसा रहता है, कैसा क्या है सब कुछ। और यहाँ पर सुनाई पड़ा है कि पशु पक्षी दूर दूर से आते रहते हैं यहाँ पथरा के ताल में, और भी आप लोग को दिखा देंगे कैसा क्या रहता है पथरा के ताल में। और ये देखिए इस समय तो हम क्या कहते हैं पथरा के जो सड़क है हाईवे वाले उसी पे हैं, और ये जो रास्ता पीछे वाला दिख रहा है ये पकड़ के जाएंगे आप, ये चला जाएगा वहाँ से होते हुए निकल जाएगा भाई। और ये जो पीछे है ये है पथरा के ताल, और इधर भी आप लोग देख सकते हैं, और ये जो है पथरा बाजार के जाने का रास्ता है ये है, और हम लोग चलते हैं ताल की ओर, वहाँ पर आप लोग को दिखाने का काम करते हैं। और ये देखिए बादल और पेड़ सब कुछ सुनहरा सुनहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है पथरा के ताल में कुछ। और ये देखिए सड़क है, सड़क के बगल में एक भाई ठेला लिया है, उससे हम थोड़ा पूछते हैं कैसा क्या सब कुछ। आइए हम बाइक कमरे के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। और क्या हाल चाल? ठीक है। और सब्जी आपका कैसा है? बहुत अच्छा है, ताज़ा ताज़ा, आप देखिए पहले। हाँ सब्जी सब्जी तो अच्छा ही है। हाँ एकदम अच्छा है। अच्छा अच्छा, दिन भर में कितना गांव तक आप चले जाते होंगे? 2 से 3 गांव तक जाते हैं। 2 से 3 गांव तक। अच्छा, और भाई पथरा का ताल कैसा रहता है थोड़ा जानकारी? बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, हम लोग खेलने जाते हैं। खेलने के लिए जाते हैं? अच्छा अच्छा, और वहाँ पर मतलब है कैसा पशु पक्षी आती है और कैसा क्या रहता है थोड़ा जानकारी वहाँ का? आते हैं सभी लोग चराने, मतलब पशु पक्षी और सब कहाँ कहाँ के आते हैं थोड़ा जानकारी? बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से। और यही रास्ता पकड़ के हम लोग चलते हैं पथरा के ताल में, और वहाँ पर दिखाएंगे कैसा क्या सब कुछ दिखाते रहते हैं। आइए हम लोग चलते हैं वीडियो के माध्यम से, वहाँ पर दिखाएंगे कैसा क्या है। आप भी लोग आइए यहाँ पथरा के ताल में, और यहाँ पर देख सकते हैं कैसा क्या सब कुछ रहेगा भाई पथरा के ताल में। देख सकते हैं कितना हरा भरा यहाँ पर घास है भाई। और हम लोग चलते हैं थोड़ा गाय के पास, वहाँ पर देखते हैं कैसा क्या है। और भाई हम पथरा के ताल में आ गए हैं, और देखिए कितना सुनहरा सुनहरा यहाँ पर क्या कहते हैं घास भी है, और कितना प्यारा प्यारा यहाँ पर गाय भी है देख सकते हैं आप लोग। देखिए भाई पथरा के ताल में कितना अच्छी अच्छी गाय आई है भाई यहाँ चरने के लिए, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर घास है तो आएंगे ही चरने के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए इतना चर ली है कि इनका पेट देख सकते हैं आप लोग कितना भर चुका है बहुत ज़्यादा ही। और ये है नंदी बाबा, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, और एक गैया देख सकते हैं आप लोग, और उधर बाबा गाय चरा रहे हैं, और इधर देख सकते हैं आप लोग गाय कितना प्यारा प्यारा यहाँ पथरा के ताल में आई हैं, और देखिए कितना हरा भरा घास यहाँ पर सुनहरा सुनहरा कितना है। और इधर देखिए बाबा यहाँ पर गाय चरा रहे हैं, और ये नंदी बाबा एक इधर है, ये देखिए बब्बर सांड है, ये देखिए थोड़ा बुढ़ा हो चुका है इसलिए देखिए दूबर दिख रहा है भाई। और यह है गैया, और एक गैया आ रही है इधर, और इधर भी देखिए पेट भर चुका है इसलिए देखिए इतना हरा भरा घास में बैठ चुकी है, ये देखिए। और इधर भी दिखा देते हैं कैसा क्या है, और देखिए बाबा यहाँ पर चरा रहे हैं गाय को, और देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा है। यहाँ पर देखिए भाई अपना गैया चरा रहा है और गाना भी गा रहा है यार, पता नहीं कैसा क्या सब कुछ। देखिए उनका गैया वहाँ पर है, और हम चलते हैं थोड़ा उनसे जानकारी लेते हैं गाय के बारे में, और फिर इनका मतलब क्या आइटिंग है क्या सब कुछ पूछते हैं और कैसा क्या है। आइए हम पूछने का काम करते हैं, और गाँव के भाषा में बोलते हैं अरे राम राम भगत। राम राम भाई, राम राम। और क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया भाई, अपना बढ़िया है, थोड़ा हाथ मिलाओ यार। हाँ हाथ मिलाओ, बताओ 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 क्या हाल चाल है। बस ठीक है यार, ठीक है। और बताइए गाय आपका कैसा है, क्या है? हाँ तो भाई मेरे पास लगभग 50 से 60 गाय है। हाँ। और हम पथरा ताल में अपना गाय को रोज चराते हैं। हाँ। और यहाँ पर इतना मजा आ रहा है दोस्तों, आप लोग क्या है बताए। यहाँ पर देखिए हमारे ये घास तक यहाँ पर घास आ रहा है। अच्छा। और हमारी गाय लोग एकदम 1 घंटे में चर के पूरा स्वस्थ और मस्त हो जाते हैं। हाँ। और ये पथरा ताल इतना खूबसूरत है दोस्तों। हाँ। कि
ये आप लोग क्या है बताएं, ये लगभग कितना बड़ा है हम लोगों को खुद ही नहीं पता कितना बड़ा है। आप लोग थोड़ा कैमरा रोटेट करके दिखाइए, एक पथरा ताल कितना बड़ा है। देखिए भाई बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुनहरा है यहाँ पथरा का ताल। और थोड़ा इनसे भी हम थोड़ा और पूछते हैं, भाई ये धान रोपाई लग रहा है कि नहीं रोपाया गया? ये धान नहीं, ये एक एक ही प्रकार का ये खर है जो कि हमारी जो गाय लोग हैं जो किसी प्रकार की जो है वो सब ये तो खाती है और स्वस्थ शरीर रहता है उनका और स्वस्थ और मस्त रहती है। और हमारी गाय देखिए आप लोग दिखाए हमारी गायों को। हाँ दिखाए यार। हाँ तो भाई हमारी गायें कैसी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या कहते हैं नंदी बाबा, नंदी बाबा नाम है कि और थोड़ा कुछ नाम रखे हो दुलार प्यार से? नंदी बाबा नहीं नाम है उनका, हम प्यार से उनको बब्बा सांड कहते हैं। अच्छा बब्बा सांड, यानी देखिए भाई इनका जो जो गाय है और जो जो बछड़ा है अलग अलग प्रकार से यहाँ पर नाम भी दराए गए हैं भाई। और देख सकते हैं आप लोग बहुत प्यारा प्यारा यहाँ पर गाय है, प्यारा प्यारा बछड़ा है, सब कुछ है भाई। देख सकते हैं आप लोग पथरा के ताल में एकदम खूबसूरती ही भरा है भाई पथरा के ताल में। और देखिए इनका गाय ऐसा ही है, देख ही सकते हैं आप लोग। और भाई आपका गाय एक दिन में कितना लीटर दूध दे देती है? हमारी गाय एक दिन में लगभग 30-35 लीटर दूध दे देती है। और ये जो 50 गाय है इनमें से पूरी गाय नहीं लगती है, कोई इनमें से लगभग 10-15 गाय गर्भ होती भी है और 10-15 गाय लगती है। 30-35 लीटर हमारे यहाँ दूध हो जाता है और उसमें 5-6 बछड़े भी हैं, इसीलिए इतना दूध हो जाता है, काफी है हम लोग के लिए इतना। और मार्केट कहाँ पे करते हैं आपका दूध का सेल कहाँ पे करते हैं? दूध का सेल गांव में भी बिक जाता है, बसरा में बिक जाता है, मिठवल में बिक जाता है। हम 3-4 जगह अपने दूध का सेल करते हैं। कैसे ले जाते हैं, मोटरसाइकिल से कि साइकिल से, कैसे ले जाते हैं? देखिए दोस्तों हम लोग देहाती लड़के हैं तो उतना हम लोग अमीर रहे कि हमारे पास मोटरसाइकिल रहे। हम लोग साइकिल से ही अपना दूध बेचने चले जाते हैं और हमारा दूध बिक भी जाता है आराम से। चलिए धन्यवाद। और इनका गाय का मतलब कितना किलोमीटर से दूर से यहाँ पर चराने के लिए लाए हैं आप? आप लोगों को बता दें दोस्तों कि हम अपने गायों को लगभग 3-4 किलोमीटर दूर चराने आए हैं। उधर दिखाइए कैमरा। हाँ दिखा रहे हैं, देखिए पता नहीं दिख रहा होगा कैमरे में कि नहीं दिख रहा भाई। वहाँ से हम अपने गायों को यहाँ पे तक चराने लेके आए हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपने गायों को चराते हैं। और गाय को भी चराते हो कि थोड़ा दूध भी पीते हो? दूध सब, दूध दही सब पीते हैं। फिर क्यों इतना पतले हो आप? अरे इतना पतले हैं पता नहीं क्यों। भाई साहब क्या हाल चाल है? राम राम। और सब बढ़िया है? अच्छा अच्छा, आपकी गाय किधर है भाई? किधर जा रहे हो यार, थोड़ा बात करनी थी, आप किधर जा रहे हो? अरे भाई वो जो मेरा बब्बर सांड है वो बड़ा हरामी है, उसको दोब रहे थे, हाँक रहे थे मतलब उसको। अच्छा हाँक रहे थे? यस। गाय भी चराते हो कि थोड़ा कोई काम वगैरह सब कुछ करते रहते हो या फिर जैसे कि दुकान वगैरह सब कुछ ऐसा वैसा? आपको बता दें प्रदीप भाई, देखिए हमारे पास तो 50-60 गाय है तो इनको संभालना नामुमकिन है। ये हम लोग ऐसे तरह की हम लोग उनको संभाल लेते हैं। दोस्तों हम कुछ करते वरते रहे हैं, हम ये अपनी गाय वाय चराते हैं और हम YouTube पर वीडियो भी बनाते हैं। अच्छा YouTube पर वीडियो बनाते हो? हां YouTube वीडियो। अरे यार चैनल का नाम बोलो, क्या नाम है आपका चैनल का नाम? तो मेरे चैनल का नाम है सुनील खेसारी ब्लॉग, आप लोग जाके। अरे यार इतना देर हो गई आपको बताने में। हाँ तो हम तो देखिए आप लोग आपको ना बताए फिर भी आप बता दिए। मेरे चैनल का नाम है सुनील खेसारी ब्लॉग, आप लोग जाकर मेरा वीडियो देखना। और हम यही देहाती देसी गाय का वीडियो बनाते हैं, अपने पूरा लाइफ स्टाइल का ब्लॉग बनाते हैं, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। आप लोग जाके सपोर्ट करना मुझे भी और प्रदीप भाई के भी सपोर्ट करना, क्योंकि हम दोनों लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि घर का काम छोड़कर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। हाँ भाई तो चलिए प्रदीप भाई चलते हैं, नहीं तो गाय हमारी भाग जाएगी। चलिए भाई चलिए, धन्यवाद भाई आपका इतना बताने के लिए। आशा करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा, पथरा का ताल का नज़ारा। दोस्तों आशा करते हैं प्रदीप भैया का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रदीप भैया के चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारी गायें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक है, जाके वहाँ पर मुझे भी सपोर्ट करना और प्रदीप भैया को भी सपोर्ट करना। और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा ब्लॉग देखना है देहाती में, कमेंट करके बताइए दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।